हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप अच्छे ही होंगे। अच्छा होना भी चाहिए, जैसा कि आप जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है, तो इस समय आप घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। और आपको पता है कि इसको बढ़ा करके 3 मई तक कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है? अब आप स्कूल तो आ नहीं पाओगे, तो घर से ही वीडियो देख करके आप अपने टॉपिक को तैयार करें। जैसा कि हमने कल के टॉपिक में डिस्कस किया था पीएच के बारे में, तो और पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीएच का क्या इफेक्ट होता है हमारी डेली लाइफ में। और मैंने कल आपको बताया था कि मैं अगले वीडियो में बात करने वाला हूँ साल्ट की फैमिली के बारे में, और कुछ और भी ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, अधिकतर मैं प्रोडक्ट की बात करूँगा जो कि सोडियम से बने होंगे, और उनका भी हमारी डेली लाइफ में अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं पहले साल्ट के बारे में। तो एक्चुअली जब साल्ट का नाम आता है, तो आपने देखा जब खाना खाते हैं, अगर हम लोग कितना भी अच्छा खाना बना दें, अगर उसमें साल्ट ना डालें तो क्या होगा? वो स्वाद रहित हो जाएगा, मतलब उसका कोई भी इंटरेस्ट हमें मिलने वाला नहीं है, कुछ भी मज़ा नहीं आएगा खाने में। और कभी कभी आपने फेल भी किया, अगर साल्ट की मात्रा भोजन में कम हो जाए तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं इसमें टेस्ट नहीं आ रहा है, तो थोड़ा साल्ट और मिला दो। इस तरह से हम बात करने वाले हैं साल्ट के बारे में। पहले तो हम बात करते हैं कॉमन साल्ट। जैसा कि हमने 3 टाइप आपको साल्ट को पहले बता रखा है, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट एंड न्यूट्रल साल्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट मतलब ऐसा साल्ट जो आप घर पर रोज़ यूज़ करते हैं, मतलब कि ये आपने देखा सी वाटर, सुना भी होगा पढ़ा भी होगा, जो सी वाटर होता है समुद्र का पानी, उसको हम लोग क्या करते हैं, जो उसके किनारे लैंड होती सी के, वहाँ पे कलेक्ट करके उसका वेपोराइजेशन के थ्रू वाटर निकाल देते हैं, जो सॉलिड फॉर्म में हमारा साल्ट मिल जाता है। फिर हम उसे मशीनों से तोड़ करके छोटे छोटे पार्ट में या पार्टिकल में ला करके मार्केट में अवेलेबल कराते हैं। तो आज हम उसी साल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। वो साल्ट क्या है, उसका जनरल फार्मूला होता है NaCl, जैसा आप देख रहे होंगे मैंने बोर्ड पे लिख रखा है NaCl। ये हमारा फार्मूला होता है कॉमन साल्ट का। जनरली इसको हम यूज़ करते हैं अपने किचन में टेस्ट लाने के लिए। और जो ये साल्ट होता है, इसको बनाने के लिए हमारे रफ मटेरियल होते हैं, इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा। तो इन सब को मिला करके भी हम ये कॉमन साल्ट बना सकते हैं। एक्चुअली आपने देखा था जब हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख रहे थे, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने कॉमन साल्ट NaCl को बनाया था। तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। ये सब हमने जो बताया आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये उसके रॉ मटेरियल है। अधिकतर नेचुरली जो हम इसको लेते हैं ये सी वाटर से भी मिलता है, लेकिन उसमें कुछ इम्प्योरिटी भी रहती है, जो मगर सी वाटर का होता है उसको प्योरीफाई किया जाता है, इसके बाद हम मार्केट में लाते हैं। ये नहीं कि डायरेक्टली आपको मार्केट में वहाँ से ला के दे देते हैं। तो आपने देखा हमने यहाँ पे इसको हाईलाइट भी कर देते हैं, इसके बारे में पहले से लिख रखा है कि ये इसके प्रोडक्ट हैं। जो रिएक्शंस होती है हमारी, केमिकल रिएक्शन, हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, ये हमारा क्या है, बेस है, बेस, और ये हमारा क्या है, एसिड है। जब हमारा एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो हमारा साल्ट बनता है, उसको हमने क्या बोला था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर भी साल्ट को बनाने के लिए हमने यूज़ किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, दूसरा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एसिड है। जब इनको हमने आपस में रिएक्ट कराया तो हमारा जो रिएक्शन हुआ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, और जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, कॉमन साल्ट। दूसरा क्या बना, वाटर, जो कि वो हमारा वाटर लिक्विड के रूप में निकल जाता है। अगर इसको हम निकालना भी चाहेंगे तो क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, वाटर वेपराइज के उड़ जाएगा, और जो हमारा कॉमन साल्ट है वो हमारे बॉटम में, वेसल के बॉटम में सेटल हो जाएगा। तो हमें प्रिपरेशन नहीं करनी है, ये केमिकल रिएक्शन ध्यान रखनी होगी आपको, जो हमारा कॉमन साल्ट बनाने में यूज किया जाता है। फिर इसके भी कुछ प्रोडक्ट होते हैं सोडियम के, तो हम पहला प्रोडक्ट बात करने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला होता है NaOH। तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ आप क्या कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं? जैसे आपको हमने कल बताया था एक आंट स्टिंग वाला, जब चींटी आपको काट लेती तो वहाँ पे मेथिनोइक एसिड आ जाता है। अगर उस एसिड को न्यूट्रलाइज करना, तो आप बेस लगाते हैं, तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी लगा के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बना सकते हैं, या करवा सकते हैं। तो अधिकतर इसका यूज जो होता है, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में करते हैं। एक्चुअली जो इससे भी हम बना देते हैं, ये कैसे बनता है, एक्चुअली जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम इसे लैब में बनाना चाहें तो हमें एक प्रोसेस करानी पड़ती है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस का मतलब, इसमें इसके नाम से ही इसको हम डिकोड करते हैं, क्लोर मीन्स होता है क्लोरीन, अल्कली मीन्स होता है अल्कली, एक बेस। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, क्लोरीन बनेगा, उसमें एक बेस भी बनेगा, लेकिन उसके लिए हमें रिएक्टेंट क्या लेना, हमने पहले आपको बताया क्लोर अल्कली प्रोसेस, लेकिन इसमें रिएक्टेंट कुछ होगा तभी तो हमारा रिएक्शन होगा। तो इसके लिए हम लेते हैं NaCl वाटर के साथ में, हम कह सकते हैं एक्वस NaCl, और इसमें पास कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी,
मतलब हम कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा प्राप्त करते हैं। उसमें हमारी एक रिएक्शन इन्वॉल्व होती है जो कि हमने बोर्ड पे पहले से लिख रखा है, आप देखेंगे। जैसे हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड के 2 मोल ले लिए, और यहाँ पर हमने ले लिया वाटर, मतलब इसको पहले डिजॉल्व करेंगे, सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये टूट जाएगा आयन में। आयन में कौन कौन से टूटेगा, अगर सोडियम की बात करती है 2 आयन में टूटता है, एन ए प्लस एन सी एल माइनस। तो हमने 2 बार लिया है ना इसको, तो ये सी एल माइनस 2 टूटेगा, एन ए प्लस 2 बार टूटेगा। और ये हमारा जो एच टू ओ है ये भी हमारा टूट जाता है 2 पार्ट में। एच टू ओ जब टूटता है तो ये बनता है एच प्लस प्लस ओ एच माइनस, ये भी 2 टाइम आएगा। तो अब देखिए भाई साहब क्या होता है, एक्चुअली क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में हमारे 3 प्रोडक्ट बनेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड पहला प्रोडक्ट जो कि एक अल्कली है, इसलिए हमने प्रोसेस को क्या बोला था, क्लोर अल्कली प्रोसेस। दूसरा क्या बनेगा, क्लोरीन गैस। तीसरा क्या बनेगा, हमारा हाइड्रोजन गैस। तो ये जो क्लोरीन गैस है और हमारी हाइड्रोजन गैस है, ये एनोड और कैथोड होते हैं, 2 पोल होते हैं, आपको पता होगा, ये उस पर जाते हैं। तो देखते हैं हम, आप यहाँ देख लीजिए हमने ऑलरेडी लिख रखा है, जो हमारी क्लोरीन गैस होगी इस रिएक्शन में एनोड पर जाती है और हमारी हाइड्रोजन गैस जाती है कैथोड पर। बहुत बार सीबीएसई ने यही पूछ लिया था, क्लोर अल्कली प्रोसेस में जो क्लोरीन बनता है या फिर हाइड्रोजन बनता है, कौन सी गैस एनोड एनोड पर जाती है, कौन सी कैथोड पर जाती है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी क्लोरीन गैस होगी ये हमारी एनोड पर जाएगी, और जो हाइड्रोजन गैस होगी ये कैथोड पर जाती है। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि ये प्रोसेस जो होता है किस तरह से होता है। तो हमने देखिए यहाँ पर पहले से लिख रखा है क्लोर एल्कली प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो कभी कभी वो उसकी डेफिनेशन पूछते हैं और कभी कभी कह देते हैं कि क्लोर एल्कली प्रोसेस ही इसको क्यों कहते हैं। तो आप क्या बताएंगे, क्लोर मीन्स क्या होता है, देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा क्लोर मीन्स क्या होता है, क्लोरीन, और एल्कली मीन्स एक बेस होता है जो कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, क्लोरीन बन रहा है। तो इस प्रोसेस में हमारी एक एल्कली एल्कली मतलब एल्कलाइन, सॉरी आप कह सकते हैं एक बेस, एक एल्कली बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है, क्लोरीन गैस बन रही है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो अब आपने यहाँ तक देख लिया, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। जो हमारा ये प्रोडक्ट बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको हमने इससे पहले भी बताया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में यूज़ होता है, और भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं टू प्रिपेयर द ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी हम इसका यूज़ करते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का नहीं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज़ होती है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में यूज़ होती है, जबकि हमारी जो इसमें क्लोरीन गैस बनी है इसका जो यूज़ हम करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में। और आप सभी ब्लीचिंग पाउडर को जानते ही होंगे, हम लोग फ्लोर से वॉश करते हैं, वाटर को प्योरीफाई करते हैं। अगर आप टाउन में रहते होंगे, सिटी में, तो कभी कभी आपके पानी का स्वाद जो होता है टैप से आता है, बदल जाता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, जो उसमें जर्म होते हैं, हार्मफुल जर्म्स होते हैं, उनको किल करने के लिए। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा, हम बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो उससे पहले हमने एक क्वेश्चन रख यहाँ पे लिख रखा है, या वो खुद से करना और कमेंट में इसका आंसर लिखना है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl विच गैस प्रोड्यूस एट एनोड एंड कैथोड रिस्पेक्टिवली। अगर हमारे वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको आंसर पता होगा, आप इस आंसर को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगले जो हमारी हेडिंग है, हम बात करने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर की। एक्चुअली जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका फार्मूला होता है CaO(Cl)2। कैल्शियम ऑक्सीजन एंड क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। एक्चुअली जो ये फार्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला है, इसको जो हमने प्राप्त किया है ये हमारे इसी क्लोरीन गैस से ही मिला है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस, मतलब क्लोर एल्कली प्रोसेस में जो क्लोरीन है उससे हमने ब्लीचिंग पाउडर को प्राप्त किया है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय CaOH ड्राई स्लैग लाइम, इसको बोलते हैं ड्राई स्लैग लाइम, मतलब कि ये जो आपका चूना होता है सूखा वाला, उसको बोलते हैं। और ये हमारी क्लोरीन गैस है जो कि हमारे कहाँ से मिला था, क्लोर एल्कली प्रोसेस से, विच इज़ फॉर्म इन क्लोर एल्कली प्रोसेस। देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन विच इज़ फॉर्म्ड बाई क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये क्लोरीन की बात की जा रही है जो क्लोर एल्कली प्रोसेस में बना है, मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये कहीं पर भी क्लोर एल्कली प्रोसेस में बना नहीं है। चलिए अगला हम बात करते हैं ये रिएक्शन की। तो आप रिएक्शन देख रहे होंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हमने क्या बोला ड्राई स्लैग लाइम, और इसको हमने किसके साथ रिएक्शन करा दिया, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराया। तो हमारा क्या बन गया CaOCl2 प्लस
H2O, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ये जो हमारा बन के आया इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। एक्चुअली हम इसके यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर आपने देखा होगा ब्यूटी पार्लर पे लोग मेकअप में भी यूज़ करते, कहते हैं ब्लीच कराते आ रहे हैं। क्या करता है ये, जो हमारे फेस पे डस्ट जमे होते हैं ना, इसको ये काट करके निकाल देता है, तो थोड़ी निखार आ जाता है। दूसरी बात, और कहाँ यूज़ करते हैं, तो जो आपके कपड़े होते हैं इनके, इनको ब्लीच करने के लिए। कभी कभी अगर आप कच्चे रेशे के बारे में बात करें, तो आपने लूम मशीन को सुना होगा या देखा होगा, तो उसमें कच्चे रेशे को हम लोग यूज़ करते हैं। तो उस कच्चे रेशे को पहले हम ब्लीचिंग पाउडर के घोल में डालते हैं, उसको ब्लीच करते हैं, इसके बाद हम इसको लाते हैं बुनाई के लिए। तो उसका यूज़ कहाँ करते हैं, ब्लीच करने में, मतलब फेस को ब्लीच करने में कह सकते हैं, क्लोथ को करने में, और कभी कभी इसको हम फ्लोर वॉश करने में भी करते हैं, मतलब फर्श की सफाई, अगर हमारे फर्श पे अलगा लग जाए, काई जिसे आप बोलते हैं, तो उसको वॉश करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। और भी जगहों पर इसका यूज़ करते हैं, और लैब में भी करते हैं, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं, तो ढेर सारे यूज हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख रखा है, तो आप इसे देख लीजिएगा। ब्लीच टू कॉटन एंड लाइनिंग इन द इंडस्ट्री, और फॉर ब्लीचिंग द वॉश क्लोथ, हमारे कपड़ों को वॉश करने के लिए भी करते हैं। प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर करते हैं, अभी हमने यहाँ बताया था आपको, जो जर्म होते हैं वाटर में, हार्मफुल जर्म होते हैं, उनको क्लीन करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। अगला क्या, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमने सारे यूज़ आपको बता रखा है, बोर्ड पे लिखे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके सारे डाटा